हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि CSIR NET में बार बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं लॉजिक के साथ आपको समझा के एक्सप्लेन करूँगा। तो क्वेश्चन जो लिया है मैंने वो CSIR NET दिसंबर 2012 में, जून 2013 में, जून 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन रिपीट हो रखा है बार बार। क्वेश्चन क्या कहती है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑन ओपन इंटरवल 0 से 1 में इस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, कि कौन सा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है इस ओपन इंटरवल में, वो हमें बताना है। चार ऑप्शन दे रखा है। यही एक क्वेश्चन एक बार बी सेक्शन में आ रखा है और दो बार सी सेक्शन में आ रखा है। 2012 में ये क्वेश्चन बी सेक्शन में पूछा गया था और बाकी सी सेक्शन में भी पूछा गया है इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक रिज़ल्ट को फॉलो करना होगा और रिज़ल्ट बहुत सिंपल है और आपको याद रखना है। रिज़ल्ट क्या है कि अगर कोई फंक्शन fx डिफाइन करता है किसी ओपन इंटरवल ab में, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस उस ओपन इंटरवल में तभी होता है जब ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पहली कि वो जो फंक्शन x होगी वो कंटिन्यूस होगी उस ओपन इंटरवल ab में, और साथ ही साथ उस फंक्शन की जो लिमिट निकालोगे इस ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करने चाहिए फाइनाइटली, तभी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं। आई बस में ये रिजल्ट आपको फॉलो करना है इस क्वेश्चन में बस। तो ऑप्शन वन पे आ जाते हैं। ऑप्शन वन हमारे पास क्या है, फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 1/x, इंटरवल हमारे पास 0, 1 है ओपन। तो आपको पता है, चलो 1/x जो होता है वो तो कंटिन्यूस होता है इस इंटरवल में, पहली प्रॉपर्टी तो ये होल्ड कर रहा है। अब दूसरा देखो, जब आप जीरो पे चेक करोगे लिमिट इसकी, 1/0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, ये वाला तो मना कर दे रहा है ना, 1/0 इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या कर देंगे, अब कट कर देंगे, पहला वाला मना हो जाएगा। अब हम आते हैं सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में जो हमारे पास फंक्शन है, वो हमारे पास फंक्शन क्या है, sin x/x, ठीक है। ये किस रूप में है, ये fx/gx के रूप में है। तो देखिए, कंटिन्यूटी के लिए इसमें डिपेंड क्या करता है, अगर आपका कोई फंक्शन fx/gx के रूप में होता है, अगर आपका gx फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर आपका वो फंक्शन नॉन ज़ीरो होता है तभी वो कंटिन्यूस होता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है, इफ़ gx एंड fx आर कंटिन्यूस फंक्शन, दोनों ही खुद में कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन x और x अलग अलग, किस इंटरवल पे, ऑन ओपन इंटरवल ab, और gx की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो उस ओपन इंटरवल ab में, तो हमारा fx/gx क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है उस ओपन इंटरवल ab में, ठीक। ये चीज़ है, तो हमारे पास जो sin x/x है वो तो कंटिन्यूस हो गया है, कंटिन्यूस है। अब बात आती है लिमिट की, क्योंकि हमारे पास इंटरवल क्या है, 0, 1, तो 0 पे भी हम चेक करेंगे और 1 पे भी, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x, इसकी वैल्यू तो 1 होती है, ये खुद में एक रिजल्ट है, चलो फाइनाइट मिल गया। अब लिमिट 1 पे भी चेक करना है, 1 पे लिए sin x/x, तो x के प्लस 1 रखेंगे तो sin 1 आएगा, और sin 1 को क्या माना जाता है, फाइनाइट वैल्यू मानी जाती है। तो ये कंटिन्यूस भी है और दोनों पॉइंट पर ये फाइनाइट वैल्यू भी दे रहे हैं, तो बाय आइडियल कंडीशन आप क्या बोल देंगे, ये जो फंक्शन है sin x/x वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा ओपन इंटरवल 0, 1 में, ठीक है। बी सेक्शन का क्वेश्चन था तो आंसर निकल गया है, लेकिन बाकी दो ऑप्शन को भी हम डिस्कार्ड करना है, तो वो भी हम देखते हैं कैसे करना है। देखिए, फिर से ऑप्शन थर्ड पे आ जाएंगे। अब की बार फंक्शन एक्स हमें क्या दे रखा है, sin 1/x, sin 1/x हालांकि कंटिन्यूस होता है, लेकिन हमारे पास 0, 1 है ना, इन दोनों लिमिट पे भी ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलो 0 पे निकाल के देखते हैं, लिमिट x को टेंड्स कराया 0 पर, sin 1/x यानी कि sin 1/0 क्या होता है, sin∞, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, तो एक मना होगी, तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ये दो नहीं होगा। ऑप्शन फोर पे आ जाऊँ, cos x/x कंटिन्यूस है, ठीक है, लेकिन जब लिमिट को टेंड्स कराओगे आप 0 पर, क्योंकि 0, 1 पे ना दोनों पे चेक करना होता है हमें, किसी दोनों पे ही फाइनाइटली देनी चाहिए, 0 पे चेक करते हैं तो cos 0/0, cos 0 के बिल्कुल 1 है नीचे, लेकिन 0 something/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ पे क्या हो जाएंगे, मना हो जाएंगे, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करो। चैनल पर नए हो
तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो।